मैं तो हड़ा अपना सप्रीत सिंह मैं तो हड़ा अपना प्रिंस दीप सिंह जी प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर चैनल पे स्वागत करते हैं। आज असि आए हैं जी गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब साबू की तलवंडी बठिंडा विखे जी। दसवें पातशाह धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जी बहुत बड़े बड़े कार्य किए ने इस स्थान के उत्ते बैठ के जी। आज आप इस स्थान के दर्शन करते हैं नाले इतिहास बारे जानते हैं जी। आओ चलिए जी। असी जी अपने कहे अनुसार श्री चमकौर साहिब तो शुरू की सी यात्रा जिमें दसवें पातशाह ताड़ी मार के चले सी आपां भी उस स्थान तो चले सी। अज आपां पहुंचे हाँ जी तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी विखे जी। साढ़े चैनल पर जाके पिछली वीडियोज़ भी जरूर देखियो जी, साडा साथ दिओ, लाइक शेयर भी जरूर करया करो जी। अज आपां दर्शन करांगे तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी बठिंडा विखे जी। जोड़ा आपां उतार लिया जी, आओ चलिए दर्शन करनो जी। ये उही स्थान है जी जिथे दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भाई मनी सिंह जी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ का काम संपूर्ण करवाया सी। संपूर्ण कार तो बाद जिहड़ियां कसियां कलमां बच गई सन उन्होंने इस स्थान के सरोवर में पा दिता गया सी। आपां उस सरोवर साहिब के भी दर्शन करांगे जी, आओ चलिए। ये जी कड़ा प्रसाद घर बनया हुआ है, इतों से कड़ा प्रसाद लै सकते हो। इस जगह पर दसवें पातशाह धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी आनंदपुर साहिब चमकौर साहिब आलमगीर साहिब तो होंदे हुए पातशाह इस स्थान के उत्ते पहुँचे सन जी। दसवें पातशाह तकरीबन सवा साल जी इस स्थान के उत्ते रहे जी। पातशाह इस स्थान के उत्ते आए, पातशाह ने अपना कमर कस्सा खोलिया, इस स्थान के उत्ते बैठे। ये आ जी शहीद बाबा दीप सिंह जी का खूह जी। दसवें पातशाह ने इस जगह के उत्ते जी बाबा डल्ला जी नूं समेत परिवार अमृत छकाया जी। तो डल्ले तो डल्ला सिंह बनाया सी जी। पातशाह ने इस जगह के उत्ते बंदूक चला के सिखां दा सिदक भी परख्या सी जी। आ जाओ चलते हैं आपां गुरद्वारा साहिब के अंदर नूं दर्शन करते हैं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे जी। ये सोहना उच्चा निशान साहिब झूलदा होया जी, जिस जगह ते मेरे पिता दशमेश ने जी दम लिया इत्थे बैठे पातशाह कमर कसा ढिला कीता जी। आ जाओ चलदे आपां गुरद्वारा साहिब दे अंदर नूं दरबार साहिब दे जी। ये अज दा हुक्मनामा साहिब जी। आओ जी हुण आपां सारे मिलके दर्शन करदे आं बाबा दीप सिंह जी दे इतिहासक खूह दे जी। आ जाओ जी। बाबा दीप सिंह जी ने ना जी इस स्थान दे उत्ते दसवें पातशाह ने ड्यूटी लाई सी। चारे जिहड़े अपने होर ने तख्त उहनां दे उत्ते सरूप लिख के बाबा दीप सिंह जी ने भेजे सीगे जी। ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
आओ सरोवर साहिब के भी दर्शन करते हैं जी। आओ जी हुण आपां दर्शन करते हैं उस मंजी साहिब दे जो कि पातशाही नौवीं दी चरण छोह प्राप्त है। हुण आपां दर्शन करते हैं जी गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पातशाही दसवीं दे जी। इस अस्थान ते दसवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नौवें पातशाह दे श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज करवाए सी जी भाई मनी सिंह जी तों। माता साहिब कौर जी और माता सुंदर कौर जी जो दिल्ली तो वापस इस स्थान के उत्ते आए ने ना तो महाराज दीवान सजा के हटे सी जी। तो माता जी ने बेनती की पातशाह भी माता गुजर कौर जी और साहबजादे नज़र नहीं आ रहे भी वह कितने ने। तो पातशाह ने खालसे वालू इशारा करके कहा सी इन पुत्रन के सीस पे वार दिए सुत चार चार मूहे तो क्या पया जीवत कई हज़ार जी। बहुत बड़ी कुरबानी की आ साडे दसवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जी। सानू अपने बच्चों नाल अपने परिवार नाल जी इस स्थान के उत्ते जरूर आना चाहिए दर्शन करने चाहिए ने जी। आज हुण आपां दर्शन करते हैं जी गुरद्वारा माता साहिब कौर जी और माता सुंदर कौर जी उन्होंने स्थान के दर्शन करते हैं जी। ये आ जी स्थान बनया होया जी बहुत सोहनी इमारत बनी हुई है जी। ये सोहना उच्चा निशान साहिब झूलदा होया जी। आज चलते हैं आप दरबार साहिब के अंदर नू जी तो दर्शन करते हैं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे जी। ये अज का हुक्मनामा साहिब जी आज चलते हैं आप दरबार साहिब के अंदर नू जी। पहले भाग की वीडियो नूं इत्थे ही करदे हां समाप्त जी। वीडियो का दूसरा भाग भी जरूर देखियो उहदे विच असीं भाई डल सिंह जी दे घर दे दर्शन बाबा वीर सिंह जी बाबा धीर सिंह जी दे स्थान गुरद्वारा लिखणसर साहिब माता सुंदर कौर जी लंगर हाल दे दर्शन भी करवाए ने वह भी जरूर देखियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।